हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल तो आज की वीडियो के लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जो आइटम मैंने परचेज़ किया आप टाइटल से तो समझ ही गए होंगे कि कौन से आइटम है और आ, मैंने मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने क्यों परचेज़ किया और किस लिए परचेज़ किया और कैसे परचेज़ किया और कहाँ से परचेज़ की है तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा देखिए इसमें ज़्यादातर मैं स्टोरी ही बताने वाली हूँ कि मैंने क्यों खरीदी है क्योंकि मैं टेक रिव्यू तो हूँ नहीं कि मैं आपको सारी स्पेसिफिकेशन बताऊँगी और और इसमें सच्ची बोलूँ तो मैंने खुद ज़्यादा सर्च की मेहनत की नहीं है इसमें ज़्यादा मेहनत ढूंढने में इस लैपटॉप को मेरी सिस्टर ने की है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है टैक वाली चीज़ों में तो हम जो भी टैक्स रिलेटेड चीज़ें खरीदते हैं तो वो सारी वही सर्च करती है वही सारी स्पेसिफिकेशन देखती है और वो बेस्ट जो चीज़ ढूंढती है मैं चुपचाप से खरीद लेती हूँ क्योंकि मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं नॉलेज का मतलब ये नहीं कि हाँ मुझे पता नहीं है कि ऑब्वियसली बात है मैंने ये यूज़ करनी है तो उतनी नॉलेज तो मुझे होगी मतलब मुझे ज़्यादा डिफरेंस समझ नहीं आता है कि कौन सी क्या जैसे आई फाइव आई फोर आई सेवन इसका मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है अरे के आप बोल सकते हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो पहले देखिए मैं यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग डाल देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को अनबॉक्सिंग बहुत ज़्यादा पसंद है अब ऑब्वियसली मैं इस लैपटॉप का खरीदने के लिए मैं उसको काफ़ी मतलब दो तीन महीने से वेट कर रही थी तो मेरे से रुका नहीं गया ये जैसे ही मुझे डिलीवर हुआ मैंने वैसे ही खो दिया पर मैंने आपके लिए एक छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई है तो आप यहाँ साथ साथ में देख सकते हैं कितना कॉम्पैक्ट सा इसका बॉक्स आया था पर देखिए आजकल अमेजोन पता नहीं क्या कर रहा है वो एक स्टिक्र चिपका के कोई आउटर पैकेजिंग नहीं भेजता और मतलब कोई उसमें आपकी सिक्योरिटी रहती नहीं है कि आइटम सबको पता चल जाता है कि आप क्या मंगवा रहे हैं पर देखिए आइटम इंटैक्ट मेरे पास पहुंची थी सारी सील थी तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे आइटम को कोई डैमेज नहीं पहुँची थी तो इसमें बॉक्स में एक चार्जर था और ये मेरा ब्यूटीफुल सा लैपटॉप तो आप देख सकते हैं इस मॉडल का नाम है एस वीवो बुक फोर्टीन और ये ट्वेंटी ट्वेंटी का मॉडल था तो ये रही अनबॉक्सिंग अब चलिए देखते हैं कि लैपटॉप एक्चुअल में कैसा आया है आई एम सो एक्साइटेड तो ये देखिए मैंने आपके लिए दोबारा से इसको इस बॉक्स में पैक किया हुआ है देखिए मुझे पता नहीं क्यों डब्बे संभालने का बहुत ज़्यादा शौक है तो इससे पहले इस लैपटॉप से पहले मेरे पास एसर का लैपटॉप था तो देखिए एच पी गवर्नमेंट एक स्कीम चलती है वो टॉप हंड थ्री हंड्रेड स्टूडेंट्स को टेंथ में प्लस टू में और कॉलेज के स्टूडेंट्स को लैपटॉप देते हैं जो मेरीटोरियल स्टूडेंट होते हैं तो मैं हर बार मेरीटोरियल स्टूडेंट रही हूँ तो मेरे पास मुझे टेंथ में भी लैपटॉप मिला था एच पी गवर्नमेंट से ट्वेल्थ में मिला था और प्लस टू में मिला था तो देखिए वो काम लैपटॉप में सच्ची बताऊँ तो वो काम चलाऊ थे उसमें जो विंडो थी वो भी क्रैक वर्जन था वो मतलब ऐसा था कि हाँ चलिए जो बच्चे नहीं सकता उसमें आप नॉर्मल अगर कॉलेज का काम जैसे आपने अगर मान लीजिए वर्ड में काम करना है थोड़ी सर्फिंग करनी है उसके लिए वो इनफ था पर देखिए मैं आप पी कर रही हूँ तो उसके लिए वो लैपटॉप इनफ नहीं था कई लोग बोल सकते हैं कि हो सकता है कि इनफ हो पर देखिए मैं एक फाइनांस की स्टूडेंट हूँ मुझे काफ़ी ज्यादा डाटा एनालिसिस करना पड़ता था और उस लैपटॉप ने मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत देना शुरू कर दी थी तो उसमें एक पेज लोड उसको ऑन होने में एक घंटा लग जाता था तो ये मैंने नीड के बेस पे लिया है नहीं तो मैं चीज़ें तब तक नहीं खरीदती जब तक मुझे उसकी नीड फील नहीं हो इवन मेरे फ़ोन को भी दो साल हो चुके हैं लोग नॉर्मली अपग्रेड कर लेते हैं पर मेरा फ़ोन जब तक ख़राब नहीं होगा मैं इसको अपग्रेड नहीं करूँगी तो चलिए ये थी बैक स्टोरी कि मैंने ये लैपटॉप क्यों ख़रीदा अब चलिए चलते हैं इसके अंदर तो ये देखिए ऐसे पैक होके आया था पता नहीं आया था ऐसे आया था कि कैसे आया था मुझे याद नहीं रहा है मैंने बस इसको आपको दिखाने के लिए दोबारा पैक कर दिया है तो ये है मेरा लैपटॉप ये देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है होप कि कैमरा इसकी ब्यूटी कैप्चर कर पा रहा होगा और ये देखिए कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है पहले तो देखिए कितना थिन है क्योंकि तो मैं इसको ये हटा देती हूँ अब देखिए तो मुझे इसकी ये बात बहुत पसंद आई कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है इसका वेट 1.6 पॉइंट है मैं यहाँ इसकी मॉडल की स्पेसिफ़िकेशन डाल दूँगी और इसका लिंक भी डाल दूँगी अगर आप इसको चेक करना चाहें तो कर सकते हैं ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 अच्छा है देखिए ये एक मल्टी टास्किंग लैपटॉप है ये आई फाइव टेंथ जैन है तो मैं जब नॉर्मल ऐसे तो स्टूडेंट्स के लिए आई थ्री भी काफ़ी है पर यह मुझे काफ़ी सस्ते में पड़ गया तो मैंने आई फाइव टेंथ जैन ले लिया अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये कितने का पड़ रहा है तो देखिए अमेजोन पे जो सेल चली थी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल मैंने उस पर लिया है पहले मैं एक एच का लैपटॉप देख रही थी पर मुझे फिर दीदी ने बोला कि तेरे काम के लिए वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोसेसर है फिर हमने सर्च किया सर्च किया सर्च किया तो लास्ट में हमने इसको बाय करने का कर डिसीज़न लिया तो इसको बाय करने का कर डिसीज़न बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस था मतलब इसको लेने से पहले हार्डली मैंने 12 घंटे पहले ये लैपटॉप देखा था एक दो बार इसके बारे में एक वीडियो देखी बोला चलो ले लेते हैं क्योंकि ज़रूरत थी मुझे लेना ही था और सेल पर शायद उसके बाद इसके प्राइस बढ़े हैं कि पता नहीं ऑफ़र इस पर ख़त्म हो गए थे तो फिर मैंने ये ले लिया और आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये परचेज़ किया मैं आपको उसको खोल के दिखाती हूँ और देखिए ये तीन सेकंड में ऑन हो जाता है इसमें देखिए मैंने फिंगर प्रिंट लॉक लगाया हुआ है यहां पर मैं आपको दिखाती हूँ एंड नाउ इट्स ओपन मैंने इस पर डार्क थीम अप्लाई की है और इसमें विंडोज़ 11 अपग्रेड मैंने इंस्टॉल कर लिया है ये विंडोज़ 10 के साथ प्री इंस्टॉल आया था और विंडो 11 पे आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं जो विंडो 11 अभी बिल्कुल लेटेस्ट आई है बहुत सारे मॉडल्स में अभी वो अपडेट आना है तो इसमें साथ साथ में ही मैंने अपडेट कर लिया है तो ये देखिए विंडोज़ इलेवन का ले तो अब देखिए मैं ज़्यादा इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो अब मैं आपको समझा नहीं सकती क्योंकि मुझे खुद ज़्यादा पता नहीं है तो जिसको पता नहीं हो वह समझा कैसे सकता है पर मैं आपको इसके बारे में जो थोड़ी बहुत बातें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी जो मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कि हाँ मैंने इसको एक्चुअल में यूज़ करना है देखिए टेक रिवर्स जो जो होते हैं वो चीज़ें लेते हैं एक दो महीना यूज़ करते हैं मैक्सिमम गेमिंग के लिए मैं तो गेम्स नहीं खेलने वाली इस लैपटॉप में पर शायद अगर आप खेलना चाहें तो वो भी थोड़ी बहुत गेम्स खेल सकते हैं पर मैं आपको एक स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से बताती हूँ कि हाँ मुझे ये कैसा लगा और मुझे इसको देखिए यूज़ करते हुए एक ही दिन हुआ है तो मैं आपको उतना भी डिटेल रिव्यू नहीं दे सकती पर अगर आपको डिटेल रिव्यू जानना होगा या मेरे ओपिनियन जानना होंगे कि आफ़्टर वन मंथ यूज़ टू मंथ यूज़ कैसा रहा था तो मैं वो भी आपको बता दूंगी पर देखिए जो इसके फीचर्स ने मेरी आई कैच किए सबसे पहले तो इसका डिज़ाइन मतलब ऑब्वियस सी बात है यूज़ तो अलग चीज़ है पर आजकल डिज़ाइन अच्छा होना भी बहुत एक अच्छी स्पेसिफिकेशन होती है तो देखिए मैंने फोल्ड लैपटॉप देखे पता नहीं क्या क्या था उन लैपटॉप्स में पर वो सब एक शो ऑफ होता है अगर आपको फोल्ड ही लेना आप टैब ही ले लीजिए <laughs> जितने में वो फोल्ड वाले लैपटॉप आते तो उसमें एक लैपटॉप प्लस एक टैब दोनों आ सकता है तो मुझे तो वो थोड़ी स्टुपरिटी लगती है योगा लैपटॉप मेरी दीदी बोल रही थी योगा लैपटॉप ले लें तो मैंने उसको बोला मैंने चाहती मेरा लैपटॉप योगा करे तो फिर मैंने वो नहीं लिया तो ये है ब्रांड एसस या असूस जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहे कर सकते हैं ये है इसका नीचे फैन यहाँ पर देखिए इसके स्लॉट्स दिए हुए हैं ईयरफोन्स का स्लॉट है यहाँ पर केबल का स्लॉट ये तो था फर्स्ट इंप्रेशन के क्या क्या दिखता है और क्या इसमें बाहर से बाहर के आपको क्या क्या फ़ीचर हैं अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके साथ मुझे क्या क्या स्पेसिफिकेशन इसमें बहुत अच्छी लगी जिसकी वजह से मैंने इसको परचेज़ करने का डिसीजन लिया तो सबसे पहले तो इसमें विंडोज इसमें इलेवन प्लस इसमें एंड स्टूडेंट टू थाउजेंड का एम एस वर्ड का ऑफिस का पैकेज है लाइफ टाइम की वैलिडिटी तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था पहले तो मैं मैकबुक लेने का सोच रही थी पर उसमें बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्या बोलते हैं उसमें एम एस ऑफिस नहीं चलते उसमें आपको एम एस ऑफिस के लिए अलग से फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड पर ईयर का पैकेज लेना पड़ता है तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ मैकबुक मत खरीदिएगा क्योंकि आपको उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाती है और मैंने किसी वीडियो में देखा चलो वो बहुत एक अलग बात है हम वीडियो को डाइवर्ट नहीं करेंगे हम इस लैपटॉप के बारे में बात करेंगे तो जो इसका प्रोसेसर है वो टेंथ जेन आई फाइव है और जो इसकी डिस्प्ले है वो 14 इंच फुल एच डिस्प्ले है और जो इसमें मेमोरी है इसमें फ़ोर जी बी ऑनबोर्ड प्लस फोर जी बी एच डी डिम डी डी आर फोर रैम है तो जो इसकी इंटरनल स्टोरेज है जो इसमें प्री इंस्टॉल्ड आई है वो फाइव हंड्रेड ट्वेल्व जी बी है और इसमें ट्वेल्व जी बी इंटेल ऑप्टेन मेमोरी भी है तो ये जो बहुत ज़्यादा थिन है लाइट वेट है जैसे मैंने आपको दिखाया और इसका जो वेट है वन पॉइंट सिक्स के जीज के अराउंड है और जो की बोर्ड है वो चिकलेट हाँ की बोर्ड की बोर्ड मुझे थोड़ा डिसपॉइंटिंग लगा क्योंकि जब मैंने इसको परचेज किया उस टाइम मैंने ध्यान से नहीं दिया मुझे लगा ये बैकलेट की बोर्ड है पर जब मैंने इसको परचेज़ करने के बाद देखा तो ये बैकलेट की बोर्ड नहीं चिकलेट की बोर्ड है जो दोनों थोड़ा वो मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा पर ऑब्वियसली जितने आप पैसे पे कर रहे हैं आप इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते पर अगर इसमें शायद ये थोड़े पैसे ज़्यादा ले लेते हैं और बैकलेट कीबोर्ड बोर्ड दे देते हैं तो मतलब ये कंप्लीट लैपटॉप बन जाता तो एस्थेटिक्स के पर्पज़ से बहुत अच्छा लगता है अगर आप रात में वर्क करते हैं डिम लाइट में तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है पर चलो ठीक है वो कोई इतनी बड़ा फीचर नहीं था कि जिसके में इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाएगी पर फिर भी होता तो दिल को तसली मिल जाती तो इसमें सिक्योरिटी के लिए मैंने आपको दिखाया फिंगरप्रिट से आप इसकी ऑन कर सकते हैं इसको ऑन करना बहुत ज़्यादा इधर है कि में ये बूट हो जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब मल्टीटास्किंग लैपटॉप है इस पर आप एक साथ टेन से फिफ्टीन टैब्स ओपन करके रख सकते हैं मैंने इसमें आ स्टूडियो ऑपरेट किया है साथ में इसके साथ मैंने क्रोम पे पाँच छः टैब खोल के देखे हैं इसके साथ अगर मैं अपने फाइल्स खोल दूँ या फिर विंडोज़ खोल दूँ या इसके नोट पैड का फंक्शन वन नोट या फिर वर्ड पैड कुछ भी आप इसके साथ मतलब पाँच छः फंक्शन बहुत ईजीली एक साथ रन कर सकते हैं तो मैं ओवरऑल इस लैपटॉप के साथ बहुत बहुत बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और हाँ इस पर एक और ऑफ़र चला था जब मैंने ख़रीदा था लेट मी फाइंड दैट इसके साथ एक डेल का माउस भी फ्री आया हुआ है okay, ओके मिल गया तो ये देखिए इसके साथ डेल का ऑप्टिकल माउस भी फ्री आया था वैसे ये फ्री तो बोल नहीं सकते मुझे अमेज़ॉन वालों का थोड़ा सिस्टम समझ में आता उसके लिए इन्होंने पहले तो इन्होंने फ्री इशू किया बाद में जब मैंने इसका बिल चेक तो इसके साथ बिल आया था जिसमें इसका टू नाइन्टी रुपीज़ थे तो चलिए मुझे एक माउस भी लेना ही था देखिए जो लैपटॉप होता ना सबसे पहले उनका ट्रैक पैड खराब होता है तो मैं खुश थी कि चलो ठीक है फ्री आ गया है तो अगर मैं तो चाहती तो मैं इसको कैंसिल भी कर सकती थी पर मुझे लेना ही था तो मैं सोचा अगर मैं कैंसिल कर दूँगी मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ मैं दोबारा नहीं ख़रीदूँगी तो मैंने इसको आने दिया और ये नॉर्मल सा माउस है बहुत अच्छा फंक्शन करता है इससे भी मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है तो अगर आप अभी भी इस ऑफ़र को चेकआउट करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी परचेज है ले सकते हैं देखिए नए के चक्कर में मत फँसिए कोई भी चीज़ अगर आपको इतनी हैवी चीज़ या इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ लेनी है तो अपनी यूसेज देखिए कि क्या वो आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है अगर वो कर सकता है तो ले लीजिए नए के चक्कर में मत पड़िए पुरानी चीज़ों पर भी आप पैसे बचा के उतनी ही परफॉर्मेंस उससे ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं होता कि नई है तो ज़्यादा चलेगी पुरानी है तो कम चलेगी वो चलाने वाले पर डिपेंड करता है अगर आप चीज़ों को अच्छे से रखते हैं तो आपको पाँच साल दस साल भी निकाल देगी और अगर आप चीज़ों को अच्छे से नहीं रखते तो वो एक साल दो साल में भी खराब हो जाएंगी बाकी एट दी एंड ये सब चीजें ही हैं आपको जितना यूज होनी चाहिए चीजें सिर्फ उस हिसाब से चीजें खरीदें तो यही थी आज की वीडियो तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर